नमस्कार जी, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है पूंछ के नई पंचायत के साथ में। और पंचायत का नाम से जिस पंचायत में हम पहुँचे हैं खानपुर नाम से, और ये प्रसिद्ध भी है क्योंकि यहाँ पे एक गुरुकुल है और जहाँ से रामदेव जी हैं। रामदेव जी पढ़े हैं यहाँ, इस गुरुकुल में पढ़े हैं। रामदेव जी जो हैं खानपुर का जो गुरुकुल है, यहाँ तक शिक्षा ली है उन्होंने, उसके बाद में आगे वो बढ़े हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे सरपंच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और पूर्व सरपंच जो सन 1985-86 के दौरान, वो तो समय क्या था वो तो खुद ही बताएंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो एक्स यहाँ पे रिटायरमेंट है परिवहन से जो। और दूसरी बात बात करते हैं कि इनके जो पुत्र वधु सरपंच है इस गांव की, तो बात करते हैं सरपंच साहब से कि गांव के विकास कार्य में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर, सबसे पहले तो दैनिक हरियाणा एक पथ सत्य का मैं यहाँ गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पहुँचे हैं। पहले गांव में कोई आदमी किसी की तिथि पूछने के लिए नहीं आया करते थे, तो अब ये बड़ी बढ़िया मुहिम है। अग भाई लोगों का दुख सुख में साझा होते हैं, तो इसलिए बड़ी खुशी है जी। इसके लिए सर धन्यवाद आपका कि आपने स्वागत किया है चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और आगे ये है कि जी, जब से इलेक्शन हुए थे तो हमारे गांव में एससी की सीट आई थी और सीट थी वो लेडीज़ की, तो इसलिए गांव वालों ने मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया था। तो मैं जब वो लेडीज सीट आने के बाद मैं कह दिया कि भाई और किसी को खड़ा कर दो, तो उन्होंने प्रेस किया कि भाई आप अपनी पुत्र वधू को खड़ी कर दो, जबकि मेरी पुत्र वधू डबल एम ए सीट एट नेट क्वालिफाइड थी, कहीं सर्विस करती, परंतु हमने गांव की सेवा के लिए अपना ये रास्ता चुना और हमने गांव की सेवा की जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है खानपुर भी दो है जिला महेंद्रगढ़ का में, लेकिन ये वो खानपुर है जहाँ पे गुरुकुल है और ये नारनौल के नज़दीक पड़ा है। दूसरा खानपुर पड़ा है सीमा के पास में, खामपुरा है वो, खानपुर है, खानपुर नहीं। और वहाँ पे वो खामपुरा है लेकिन लोग उसको खानपुर बोलते हैं, कई बार उसको खानपुरा के नाम से लोग जानने लग जाते हैं, लेकिन वो खामपुरा है और उसके साथ में खासपुरा है, उसके साथ में खासपुर है। तो ये है खानपुर। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपके जो पुत्र वधु है उनका नाम क्या है? योगेश कुमारी। अच्छा जी, एक चीज़ और पूछ रहा था, हम अपने राजनीति की बात में बात करेंगे, सब तो पहले हम गांव जो खानपुर है इसका इतिहास क्या है वो एक और बताओ। इतिहास तो ये है कि शुरू में ये गांव हमारा कोजिंदा से इसका गांव का निकास है, नज़दीक कोजिंदा में भी हमारे गांव के कई साल पुराने हो गए, लगभग कितने साल, कई साल पुराने हो गए, 400 साल, कम से कम 400 साल पुराना है जी। और गांव का छोटा सा गांव था, गांव का इतिहास रहा है कि 20 गांव में कम तो झगड़े प्रसाद हुए हैं, कोई ऐसा मर्डर बलात्कार वगैरह के ये केस गांव में न होकर गांव में जब से बसे है, जब से ठीक ही आचरण रहा है गांव का हर जगह ही, तो इसलिए भी हम तो गांव की इतिहास भी जितना पुराना है उतना ही सत्य के साथ बंधा हुआ है, सराहनीय है। और आगे भी भविष्य में कामना कही जाती है कि भाई ऐसा ही चलता रहे जी। जी, तो ये जैसे कि आपने बताया भाईचारा बहुत बढ़िया रहा है गांव का आपका, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो भाई चाय भी पी रहे हैं साथ, कह माता जी चाय लेके आ गई थी, साथ के साथ में चाय भी लेते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे कि एक गांव की कोई खास बात क्या रही है गांव के अंदर, ऐसा क्या मतलब खास चीज़ रही है कि भाई वो आज भी उस चीज़ से गांव के अंदर एक अलग सी पहचान बनी हुई है? गांव में शुरू से ही गांव ये सामाजिक रहा है, मानवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और गांव में जब जिल से वगैरह गुरुकुल के करवाया करते थे पहले, फिर यहाँ बाहर से कोई यहाँ सन्यासी लोग आया करते थे, वो कहता है भाई गांव तो बहुत बढ़िया पर यहाँ कोई ना कोई आश्रम, तो गांव ने एक जगह थी वहाँ तिबारार वो थी, वहाँ गुरुकुल की स्थापना करवा दी, जगह दे दी गांव के लोगों ने। तो रामदेव जी भी यहीं से पढ़े हैं, जो आज गांव का नाम वर्ल्ड में है, तो यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। और इसलिए गाँव का महत्व पूरे भारतवर्ष में नहीं बाहर विदेशों में भी है जी। अच्छा, अभी साथ के साथ में चाय लेंगे,
साथियों। सरपंच साहब, जैसे कि पिछली योजनाएं रही हैं, जितने भी योजनाएं गई हैं उनको देखते हुए आपके गांव के अंदर क्या कुछ विकास कार्य रहे हैं, कुछ एक बार आप दर्शकों को बताएंगे जी? पिछली सरकारों से कहीं अधिक ज़्यादा बेस्ट सरकार मुझे तो ये दिखाई दी है। गांव में पैसे भी दिए हैं, कहा वैसा काम किया है, पैसे सरकार से मांगे वो पैसे उन्होंने तुरंत हमें दिए हैं, इसीलिए तो हम करवा पाए हैं, नहीं तो हमारे पास कोई पैसे थोड़ी हैं। गांव में तो पहले पीने का पानी भी नहीं था। गांव में जो पूर्व सरपंच बैठे हैं इन्होंने तो चंदा करके अपने गांव में से पैसे लेकर जब एक कुआं बनवाया था पंचायत का जो पानी पिया करते थे, पर और सरकारों ने कम ध्यान दिया। ये सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। नहरों का भी पानी आया है, नहर में पहले पानी कम आया करते, खूब पानी आ रही, नहरों की मरम्मत करवा दी, गाँव में नहर आ रही हैं। तो इस सरकार ने जो पैसे मांगे वो दिए, और सरकार का पहली सरकारों का जैसा नेतृत्व अगर शहीद उद्धम सिंह का होता तो वो जनरल डायर को गोली नहीं मारता। पहली सरकारों जैसा नेतृत्व में फर्क है। अभी सरकार में हमें देखने को मिला है पंचायतों में इनकी बढ़िया भागीदारी रही, पैसे दिए हैं, लोगों को कार्य करवाए। इनका ये एक उद्देश्य था कि भाई गाँवों की तरक्की भी शहरों की तरह हो। और दूसरी बात मैंने अपनी उससे देखा है, मंत्री ने शहर में अव्यवस्था फैलते ही पुलिस कप्तान को धमका दिया। तो इन सरकारों का दायित्व मैं तो बहुत अच्छा है, इनके आचार विचार हैं। अगर पहली सरकारों जैसा ही आचार विचार शहीद उद्धम सिंह का होता तो जनरल डायर के गोली नहीं मारता। सरदार भगत सिंह का पहली सरकारों जैसा ही अगर जो सोच विचार दायित्व होता उनका तो वो भी देश के लिए फांसी नहीं टूटते। इन्होंने अपने घर बनाए हैं, हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह, आज का नज़दीकी गांव मंडाना से, हाँ ये मंडाना से नज़दीकी है, वो जीत जाए तो अजका से, और फिर कांग्रेस में अपने पैसे लेकर वहाँ पांच चार विधायक वहाँ जाकर अपने मंत्री पद के लिए वहाँ पैसे ले लिए। तो ऐसा इन सरकारों का नेतृत्व तो है नहीं, आगे की आगे जाने। हमने पाँच साल की योजना में अपने इसमें देखे कि इनका कार्यकाल बढ़िया रहा है और बढ़िया ही समाज के लिए, पंचायतों के लिए, किसी सरपंच के विरुद्ध भी इन्होंने, अगर वो कोई अंटी का है तो भी इन्होंने ये कहा कि भाई हमें वो नहीं देखना कि भाई सरकार कांग्रेस का है, अजका का है और किसी का है। उन गांवों में भी इस सरकार ने पैसे पूरे दिए हैं कि भाई कोई भी कार्य बढ़िया हो और गांव तरक्की करे, गांव तरक्की करे जब शहरों में। जी सरपंच साहब, आप चाय लीजिए, मैं दो बातें एक बार एक्सिस सरपंच साहब से बात करना चाहूँगा, तब तक आप चाय लीजिए क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी। कोई बाबा अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। बाबा जब आप सरपंच किस टाइम पर थे? 85 में बने थे, तो उस दौरान के रहा करता सरकार कर के गाँव को गलियारे नहीं मिला करती, और वैसे 5 साल अच्छी तरह से निकाले हैं हमने। अच्छा, कोई पैसा नहीं मिला करते, ग्रांट नहीं मिला करती। तो उस टाइम क्या होया करता था, मैंने वो बताओगे एक बार दर्शक आते उस टाइम है। पानी पिया दुकंदो करके, हाँ पानी नहीं था जी, पानी पिलाया गांव को कुआ करके। अच्छा, पानी की कमी थी जब जी। और नहर भी कम आया करती, अब नहर भी खूब आ रही है। उस टाइम सुख सुविधा क्या रहा करती गाँव का जी? 85 का मैं सुख सुविधा के रहा करती, आजकल के जो साधन चल रहे हैं क्या ऐसे ही साधन रहा करते कि के कुछ रहा करता? ना जी, ऐसे साधन नहीं थे जी, तो बस अपने लोग वैसे खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, और कमाते थे, बस ये साधन था। और एक बात और बताओगे सरपंच साहब, उस दौरान जैसे कि ट्रैक्टर होया करते? ट्रैक्टर एक आधा था कोई, कोई बड़े जमींदार के पास एक आधा, अब ट्रैक्टर खूब है, पहले ट्रैक्टर नहीं था। तो जमींदार किस तक रहा करते? ऊंट बल्लों से। अच्छा, करते हैं तो फसल भी बढ़िया होया करते हैं? हाँ, खूब बढ़िया, ग्वार बाजरा सरसों गेहूँ खूब है। दो तीन फसल अपने इस क्षेत्र से गायब होगी, कौन कौन सी जो पहले होया करती? पहले होया करती वो, जो आजकल गायब है ही नहीं, आजकल होती ना है। कौन कौन सी फसल? एक तो ग्वार नहीं होता जी, ग्वार होया करता, चने नहीं होते, चने भी खूब होया करता, ग्वार भी खूब होया करता, और मूंग भी होया करते, मूंग भी होया करते, चौड़ा भी होया करते, मोठ भी होया करते, वो अब नहीं हुए। और एक तरा भी होया करता, तरा सर समझे ऐसा पीला पीला, हाँ वो कोई एक आधा बोता थी बस, नहीं बोता नहीं, पहले तो होते थे ना, अब ना होते थे, अब नहीं होगा, अब नहीं होता, अब तो फसल रहेगी सरसम की, गेहूँ की फसल, ये फसल और बाजरा। तो जैसे कि पुरानी बात बताई है आपने, कुछ तो ज्ञान पड़ा ही होगा दिमाग में,
तो सरपंच सरपंच साहब, जैसे कि जो मेन मेन आपके काम हुए हैं ना, जितने भी काम हुए हैं, एक बार आप थोड़े से ना दर्शक गिनवा दो अपना काम का, फिर सामाजिक की बात करेंगे। गांव में काम जी, पहला काम तो सड़क फैक्ट्री से लेकर वो क्या नाम काँव कांकर तक सड़क बनाई जी जी। दूसरा खेल ग्राउंड की चार दीवारी, तीसरा यहाँ पंचायत घर की चार दीवारी, यहाँ चारों मेर ने पंचायत घर का काम चल रहा है जी। रास्ते जो रुके हुए थे जिसमें अड़चन थी वो सब रास्ते बनवाए, जिसमें 10-15 रास्ते ऐसे जो बनवाए, नहर के ऊपर पुली बनवाई और पानी की लाइन डलवाई पूरे गांव में जी जी। और काफी काम हुए हैं, ऐसे नोट कर रखे हैं, कोई याद तो ऐसे हैं भी नहीं जो। मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों की, जैसे कि जितने भी काम हुए हैं मैं आपको साथ साथ में दिखा भी रहा हूं कि सारे आप देख भी रहे हैं कि गांव में कौन कौन से काम हुए हैं, किस किस तरीके से काम हुए हैं। शमशान घाट वगैरह भी बनवाती होंगे जी? शमशान घाट की चार दीवारी लग रही है और उसके साथ में से सड़क करवा दी, रास्ता नहीं था शमशान, परले एक बार ढाणी है परले नहर के परली तरफ, वहाँ जब किसी को कोई ट्रेजरी हो जाती तो पुल से घूम के इधर से आना पड़ता था। वो ढाणी के सामने मैंने पुल ही बनवा दी है शमशान घाट के साथ में, वो ढाणी वालों को कोई आने जाने में तकलीफ न हो, कोई हादसा हो जाए तो वहाँ शमशान घाट तक परेशानियाँ थी, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वहाँ सड़क बनवा दी और पुली बनवा दी है मेन रोड से क्रॉस करके सब। अच्छा। और जैसे कि काम कम है और लाइट वाइट की सुविधा जी? लाइट की सुविधा पुरानी लाइट लग रही हैं, उनका हमने प्रस्ताव करके दे रखा है, एडीसी ऑफिस से मिलेंगी, वो हम नहीं लगवा सकते, मैं खुद लगवा रहा था, और भी कुछ लाइटें लगनी थी, वो बीडीओ साहब ने मना कर दी कि भाई सरपंच नहीं खरीद सकते अपने लेवल के ऊपर, इनका रेट डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए मतलब एडीसी ऑफिस में डीआरडी देगी इनको, तो प्रस्ताव दे रखे है, वो बोले आते ही सरपंच साहब हम आपका चेक ले लेंगे और आपके यहाँ लाइट लगा देंगे जी। ये विकास कार्यों के बारे में बताया है सरपंच साहब ने, जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनके पुत्र है यहाँ पे जो सरपंच है, इन्होंने बताया विकास कार्यों के बारे में अपने गांव के बारे में। देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सारे दर्शकों ने भी और गवर्नमेंट भी शायद जहाँ तक है देखेगी सुनेगी भी, कि महिलाएं का जो 50% आरक्षण दिया है सरपंची के तौर पर, वो कहीं ना कहीं मन ऐसा लगा है, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ इस बात ने कि भाई वो एक जायज भी है और नाजायज भी है। नाजायज किस तरह है मैं बताना चाहूँगा कि आज तक जितने भी एंट्री हुए हैं दर्शकों ने देखे, सब ने देखे हैं आपने, कि उन एंट्रियों में 4 से 5 महिलाएं सामने आई हैं, यानी कि अगर 70% महिलाएं सरपंच बनी हैं तो उनमें से 4-5 महिलाएं ऐसी हैं जो इंटरव्यू दे पाई हैं या काम कर रही हैं कंधे से कंधा मिला करके ना गाँव का में, लेकिन ज़्यादातर 90-95% महिलाएं ऐसी हैं कि उनके घर के परिवार के सदस्य ही कोई ना कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि उनके ससुर हो गए, उनके हस्बैंड हो गए, उनके चाचा जी हो गए, परिवार में कोई व्यक्ति हो गया, उनका कोई लड़का, इसी तरह से वो प्रतिनिधि कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि सरपंच साहब क्या है कि जो महिलाएँ हैं वो समाज के तौर पर हमारे गाँव तक जुड़ी हुई हैं, है ना? हाँ हाँ, ऐसा है जी कि मैं बाहर भीतर का काम तो मैं गांव में जाकर मैं करता हूं, और रही बात इंटरव्यू की, अगर आज मेरी पुत्र वधू यहाँ होती, वो आज एक डॉक्टर SMS में अपना रिश्तेदार, उसकी रिटायरमेंट है जाना, मेरे को तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू वो ही देती, पढ़ी लिखी है BDO ब्लॉक में, कहीं मीटिंग शीटिंग में खुद जाती है, या गाँव का काम तो घर खड़े होकर मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ, वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि भाई पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी वाला दायित्व तो पूरा निभाती है, और महिलाओं के आरक्षण की बात ये है कि भाई दिया है तो उन्हें निभाना भी चाहिए। अब हमारे गांव में 4-3 लेडीज वो नहीं, 4 पंच है महिला, 7 पंचों में 3 जेंट्स हैं, 4 पंच महिला है और सरपंच महिला है, गांव में तो खूब बढ़िया विकास हुआ है, 4-5 महिलाएं हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ जी, जो पढ़ी लिखी महिला है ना वो तो आगे निकल के आती है, आज वो जयपुर गई हुई नहीं होती तो वो आगे निकल के आती है। आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ, सहमत हूँ जी आपसे, मैंने बताया कि मैंने अगर 100 इंटरव्यू लिए हैं महिलाओं के, तो उनमें से महिला सरपंच के, तो उनमें से 5 या 6 महिला सरपंच ही सामने आकर के ना इंटरव्यू किया है, बाकी क्या है कि जैसे कि या तो बोल नहीं पाती हैं, या उनको कहीं ना कहीं एजिटेशन है, या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो ये चीज़ आई है सामने चल के ना, और जायज़ इसलिए है क्योंकि महिलाओं का आज के दिन में होना बहुत ज़रूरी है, आगे होंगे जब देश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि बराबर बराबर लेके चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरपंच साहब, जो महिलाएँ
जिसको प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, जिसको नुमाइंदे के तौर पर चुना जाता है, चाहे वो गांव समाज के लेवल पे हो, चाहे वो एक एमपी एमएलए लेवल पे हो, तो उनने कंधा मिला के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हमारे गाँव में जी एक बात यह है कि जो महिलाएँ हैं ना, वो जैसे कि घर परिवार तक सीमित रहे हैं काम काज कम है, क्योंकि वो चूल्हा चक्की तले के ना सारा काम कर रहे हैं, तो एक तो उन वैसे फुर्सत ना मिलती, और फिर उसमें गांव समाज में एक बात यह आ जाओ है, पढ़ी लिखी के लिए तो बात अलग है, लेकिन गांव समाज में एक बात यह आ जाए यार, कहाँ वो पंचायत में जाओगी, कहाँ वो लोगों से बात करेगी, इस तरह की कहीं ना कहीं अभी भी वो लोगों के दिमाग में चल रही है, तो जिसकी वजह से लेडीज़ ने बाहर निकालने में थोड़ा सा एजिटेशन से समझे हैं लोग। चलो जो भी है, ये तो अभी राजनीति की बातें की हैं, गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं गांव खानपुर के अंदर, सरपंच साहब सामाजिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो अपने गांव में आपको कोई लग रहा है कि कोई बुराई है गांव के अंदर या किसी तरह की, जैसे कि मैं आपको मोटी मोटी गाँव गिनवाना चाहूँगा, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, नशे की बीमारी हो गई लोगों के दिमाग में, बच्चों के बीमार जो युवा साथी है उनके दिमाग में, और लिंग अनुपात वाला सिस्टम है उनके, तो ये जो मेन मेन मोटी मोटी बुराइयां हैं, क्या कहीं आपको गांव में देखने को मिलती हैं? ऐसा है कि जी न तो लिंग अनुपात की देखने को मिलती और न कोई है, दूसरी बात नशे की भी नहीं है, और ये सृष्टि रचि जब से किसी चीज़ की जो नाम है तो वो है भी, एक दो कोई बच्चा अगर जो कहीं दारू दूरू घूंट मारता तो पता नहीं, पर वो भी मेरे जानकारी से बाहर है, संज्ञान में नहीं है, और रात को भी मैं 12-1 बजे तक कई बार मैं उठ कर देखता हूँ, क्यों मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, इधर से ट्रक जाते थे ये ओवरलोड, ये तो जी आपने बंद करवा दिया, हाँ तो ये मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया किया, ये दो मोड़ लगते थे, जब रात को भी किसी आदमी का फोन आ गया तो मैं उठ के जाता था बाइक लेकर, और मैं रोक कर मैंने कहता भाई यहाँ लकीर खींच दिया, वो फोन फान पर अगर सोचता भाई फोन करवाऊँ, मखा फोन राष्ट्रपति से कम मैं किसी का मानता नहीं, और अपना वापस ले जाता, तो वापस कर दिया, ये बड़ा प्रयास किया मैंने 4-5 साल इधर से ट्रक रोके, दो रास्ते थे, नहीं तो अपने गांव में कोई ना कोई हादसा हो जाता, इसलिए नशा नुशागिरी ऐसी बीमारी अगर होती तो रात को मेरे को मिलती, क्योंकि मैं रात को गाँव में देखता हूँ, कई बार पानी की कई आदमी शिकायत करते थे भाई फलाना खुला चला रहे वो कहीं बाड़ी में दे रहे, तो भी रात को मैं चेक करता था, किसी पंच को साथ लेकर फ़ोन कर देता कि भाई तू आ, तो वो आ जाते थे। नंबर दूसरी बात, स्कूल में चौकीदार वगैरह मैं रात को चेक करता हूँ भाई कोई है कि नहीं, कल ना कोई चोरी चारी हो जाए, तो भी ये गांव में कोई छोटी मोटी बुराई होती तो रात बिरात कभी मेरे को भी नज़र आती, तो ऐसा कोई मुझे नहीं दिखाई दिया। एक भयंकर बीमारी है दहेज प्रथा, क्योंकि एक इंसान जो कमाता है उसकी मेरे हिसाब से तो 3 जगह कमाई जाती है, पहली तो जाती है बच्चों की शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, दूसरी जाती है अगर भाई मकान वकान बनाना, और तीसरी जाती है उसकी बच्चों की विवाह शादी में, तो मतलब पूरी ज़िंदगी कमाता है उसके साथ में उनकी वहाँ पर, तो दहेज पर था जिन्हें कि जो देना भी बुरी बात है और लेना भी बुरी बात है, क्या कहीं आपको कहीं नज़र आ रहा है गाँव में इस तरह की? ऐसी कोई बात नहीं, अगर जब अपने मन से तो कोई अपनी बच्ची को देता है तो कोई नहीं, परंतु ये मैंने नहीं देखा कि भाई किसी आदमी ने ये कहा कि भाई इतने रुपये देना और मेरे को इतने देने पड़ेंगे, उसने कहा है, और मैं तो अपने बारे में, मैंने बच्चे की शादी करी तो मेरे चौधरी हैं वो बीओ रिटायर हैं नारनौल से, पिछले साल रिटायर हुए थे रामतार डाडिया जी, बुड्ढा में कोठी बना रखी है डी ऑफिस के पास, तो उन्होंने सम देर टाइम पूछा था मेरे से कि भाई मौसा जी बाइक कौन से दे, मैं बोले भाई घर है ये एक समय तैरना गल है मन जरूरत को नमक बाइक बोल थी अपनी, तो हमने भी तो अपने ऊपर भी, और बच्चे की शादी करी है तो हमारे भी दामाद ने ये कह दिया था कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो टीचर हैं आजकल धौलपुर, दो भाई के बच्चियों की शादी करी है कोटपुतली प्रॉपर में, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई हमने कोई दहेज दाज के नहीं, हमें बच्चे चाहिए, तो ऐसी कोई नहीं प्रथा, पर एक आधी कोई ऐसी बात है तो वो तो मतलब उसको काउंटिंग नहीं किया जाता, क्यों उसकी परसेंटेज कम है, 99% ठीक है, अरे एक बुरा आदमी है तो 99 की ही वो करी जाएगी, तो इसलिए ऐसी कोई बुराई गांव में नज़र कम ही आई है, कोई ऐसी है नहीं। जी जी, और मैं ये कहना चाहूँगा जो एक दो बंदे भी हैं ना इस तरह के जो करते हैं भाई, वो बेटे को कुछ देने की कोशिश करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि देने का समय काफ़ी है। हाँ वो तो है, है ना, लेकिन उस दौरान ना दिखाएं ये चीज़ें, उससे क्या होता है अगल बगल वाले, सामने वालों के अगल बगल वाले कहीं ना कहीं अपने आप को उतार चढ़ाव में देखने की वो करना शुरू कर देते हैं, मतलब कमजोर महसूस करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ एक बुरी भी है, उससे ना एक गरीब व्यक्ति कहीं ना कहीं
तंगी में आ जाता है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज का जो समाज है, आज का जो युवा साथी है, चाहे वो कोई बहन हो, बेटी हो, कोई भी भाई हो, वो समझदार भी होते जा रहे हैं दहेज के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश में इस तरह की बुराई को दूर भगाएं, ताकि हमारा समाज, हमारा देश एक अलग ही तरीके से उभर के सामने आए। ये मेरे तो सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, सामाजिक तौर पे भी, अपने गांव के राजनीति के बारे में भी बताया है, अपने गांव के में क्या कुछ विकास हुआ है वो सब बातें बताई हैं। आगे का क्या विचार चल रहा है? आगे का तो जी विचार, अब अपना तो ये है कि भाई गाँव में कोई भाई, अब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन में कोई भाई खड़े आएगा तो हम देखेंगे वे बढ़िया कैंडिडेट है, गांव का काम करो, उसको यही कहेंगे कि भाई बढ़िया काम करो जैसे हमने किया है, कोई बगैर लाग लपेट ऐसे काम करो। अगर कोई ऐसा वैसा खड़ा हुआ जो जिसको मतलब सरपंच पद से ही मतलब ये है कि भाई तो सरपंच ही कहलाएगा, ऐसे आदमी का हम साथ नहीं देंगे। तो ऐसे आदमी के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को सरपंच कहलवाना है तो भाई गाँव समाज की पंचायत करें और वहाँ पर एक बार ये बोल दे जी मेरे को सरपंच कहा करो आगे से, तो ऐसे कहने लग जाएंगे। हाँ वैसे वो भी ठीक है, वो भी चलो ठीक है, वो लोग कहने कहा, लेकिन गांव के 5 साल तो खराब ना करे कम से कम। बिल्कुल ये अगर गांव का प्रतिनिधित्व तो करना है तो गांव की जो जिम्मेवारी दी है वो निभाएं, मतलब 100% जिम्मेवारी तो कोई नहीं निभा सकता, पर कम से कम ये सोचे कि मैं 75% तो निभाऊं। मेरा 75 भी निभा दिया ना तब भी गाँव में बहुत कुछ कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि 75 भी निभा दिया तो बहुत कुछ कर दिया। जो भी गांव समाज का जो भी व्यक्ति सामने आता है, किसी की, मैं ये नहीं कहता कि एक, मैं खानपुर की बात कर रहा हूँ, मैं हर गांव की कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन बेटी, कोई भी औरत या भाई साहब, कोई भी वर्द वगैरह, कोई भी एक्स वाई जेड अगर कोई प्रतिनिधि के तौर पर आता है, कोई सरपंची के तौर पर, सरपंच हो, पंच हो, MP हो, MLA हो, पार्षद हो, या फिर आपका जो ब्लॉक समिति मेंबर हो, किसी भी अगर आपको उस पर चुनाव में आप जीत करके सामने आते हैं तो जनता विश्वास करके आपको जिताती है कि आज हम इनको वोट दे रहे हैं, कल ये हमारे इस क्षेत्र के, हमारे इस गांव के, हमारे इस एरिया के कार्य पूर्ण करेगा, इसलिए आपको वोट दिए जाते हैं। ये नहीं कि 5 साल के लिए आपको चुन दिया, ये आप हमेशा भविष्य के लिए आप अपने आप को अंधेरे में डाल दोगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना तो भविष्य में आपके परिवार में से कोई भी किसी भी पद के लायक नहीं रहेगा, गांव समाज देखता है, क्योंकि हर व्यक्ति शिष्य के महल में रहता है जी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दुनिया उसको देख रही है कि क्या है। बिल्कुल मान्य हो जी। तो धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा है जी, आपने यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर हमारे गाँव में पैर रखा तो हमारे सौभाग्य हैं, और आगे भी हम यही कामना करते हैं, ये आशा कि भाई कोई भी सरपंच हो, कोई भी सरपंच हो ना हो, परंतु गांव वालों की शुद्ध बुद्ध लेने के लिए गांव में पहुंचना आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं इसकी बार बार हार्दिक दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी सरपंच साहब। एक्चुअली क्या है कि हम तो, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम गांव समाज से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं गांव समाज में, क्योंकि एक शहर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गाँव की भी बातें उठा करके हमें पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने लेके जानी बहुत ज़रूरी है। तो हम जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे मुहिम चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सभी गाँवों का मेरे साथ में सहयोग रहा है, जितने भी गाँवों में गया हूँ, और गाँव वालों ने बड़े ही अच्छे तरीके से, और सरपंच ने भी बड़े अच्छे तरीके से मान सम्मान किया है इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। जय हिंद, जय भारत।